आज हम डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी और एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं उनके बारे में बातचीत करते हुए कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। उनमें सबसे पहला है क्वेश्चन, व्हाई डज Mn2 शोज मैक्सिमम पैरामैग्नेटिज्म अमंग्स द बाइवेलेंट आयन ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। मैग्नीज दो सबसे अधिक पैरामैग्नेटिज्म शो करता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स के बीच में, और वो भी अगर वो बाइवेलेंट हो तब, तो क्यों? आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि मैग्नीज दो का पैरामैग्नेटिज्म या पैरामैग्नेटिक बिहेवियर सबसे अधिक होता है। तो इसका सीधा सीधा आंसर इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से हमें मिलेगा। तो मैग्नीज में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम प्राप्त करते हैं, जिसे आप इस प्रकार से देखिए। आप देखिएगा कि मैग्नीज में 4s2 3d5 होता है, लेकिन जब इसका प्लस 2 कंडीशन हो तो अपने 4s के दो इलेक्ट्रॉनों का यह त्याग कर देता है। इसके पश्चात मैग्नीज में 3d5 बचता है, और 3d5 में अगर इलेक्ट्रॉनों को सजाया जाए 5d ऑर्बिटल में एक एक करके, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाँच, और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ही इसमें पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिज्म सबसे अधिक होता है। और रहा बात अगर हम इसे कैलकुलेट करना चाहें कि आखिर ये मैग्नेटिक मोमेंट इसका कितना होगा, तो उसे भी देखते हैं। थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट बराबर होता है रूट ओवर एन इंटू एन प्लस 2 bm। यहाँ से n का मान, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, n का मान अभी हम लोग 5 निकाले, उस आधार पर थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट म्यू का मान मैग्नीज दो के लिए हमें प्राप्त होता है 5.91 bm, जहां bm मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट है, जिसका पूरा नाम है बोर मैग्नेट्रॉन। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ Fe2+ एंड Fe3+ आयन इज मोर पैरामैग्नेटिक एंड वाई? Fe2+ और Fe3+ में से कौन अधिक पैरामैग्नेटिक गुण शो करेगा, अधिक पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा, और क्यों करेगा ऐसा? फिर वही बात, हम लोग इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की गणना करते हैं। इन दोनों में इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन अगर हम लोग करें तो उससे ये क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, Fe2+ 4s0 3d6 Fe2+ के स्थिति में 4s0 3d6, तो 5 इलेक्ट्रॉन एक एक ऑक्युपाइड हो गया है, सिंगली ऑक्युपाइड हो गया है,
और एक इलेक्ट्रॉन हम लोग कहीं भी शो कर सकते हैं, जनरली यहाँ दिखा देते हैं, लेकिन हम लोग ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आया है छठा इलेक्ट्रॉन, इसे हम लोग इन पांचों में से कहीं रख सकते थे अपोजिट स्पिन के साथ। तो जो छठा इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग कन्वीनियंस के लिए यहीं पर दिखा दिए। तो आप देखिएगा कि Fe2+ में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4, n मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 आया, किसके लिए? Fe2+ के लिए। अगर हम लोग बात करें Fe3+ के लिए तो देखिए Fe3+ के लिए तो ये अपना एक और इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा, यानी 3d5 बचेगा, और 3d5 में आपको दिखाई दे रहा है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 5। Fe प्लस 2 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, Fe प्लस 3 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 होने के कारण Fe3+ ज़्यादा पारामैग्नेटिक गुण शो करेगा, यानी Fe3+ पारामैग्नेटिज्म के मामले में Fe2+ से, पारामैग्नेटिक बिहेवियर के मामले में Fe3+ बड़ा होगा किससे? Fe2+ से। ये ज़्यादा पारामैग्नेटिज्म शो करता है और ये कम करता है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द लाइटेस्ट एंड हैवीएस्ट एलिमेंट्स इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी अमंगस्ट द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में संक्रमण तत्वों में, संक्रमण धातुओं में कौन सबसे हल्का और कौन सबसे भारी होता है, किस रिस्पेक्ट में? उनके डेंसिटी के रिस्पेक्ट में। तो डेंसिटी के रिस्पेक्ट में कौन सा संक्रमण तत्व सबसे हल्का और कौन सा संक्रमण तत्व सबसे भारी होता है? तो सबसे भारी वाला फेमस है हम लोगों का ऑस्मियम, सबसे भारी ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑस्मियम है, ये फेमस है। लेकिन ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी है। स्कैंडियम संक्रमण तत्वों में सबसे हल्का होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। स्कैंडियम संक्रमण तत्वों में सबसे हल्का होता है, तो स्कैंडियम ध्यान में रखना है। और दूसरी बात, सबसे भारी ऑस्मियम होता है, लेकिन न जाने क्यों लोग ये भूल जाते हैं कि ऑस्मियम से भी थोड़ा सा अधिक भारी होता है इरिडियम। इरिडियम का जो डेंसिटी होता है वो स्लाइटली ग्रेटर देन ऑस्मियम होता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे भारी तत्व कौन होगा ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, तो हम लोग चूंकि ये फेमस है और इसी की चर्चा होती है ऑस्मियम की, तो ऑस्मियम तो ध्यान पर रखेंगे ही, उसके साथ साथ इरिडियम को नहीं छोड़ना है। हकीकत में इरिडियम सबसे भारी होता है, लेकिन ये फेमस है ऑस्मियम, तो जनरल कंपटीशन के एग्जाम में वो इतना गहराई से इसकी जांच नहीं कर पाते हैं, तो वो ऑप्शन देंगे आपको ऑस्मियम। लेकिन अगर इरिडियम हो तो ऑस्मियम और इरिडियम वहाँ पर दोनों आपको बनाना है।